वो एक बेचारा हमारा भाई पैदल हज को निकला, इतने मौलाना लोग पीछे पड़ गए उसके हाथ धो के, कई को निकला कौन निकलो बोले, कई को जा रहा हदीस में नहीं है कुरान में नहीं है, उन्होंने गए इन्होंने गए, वीडियो बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, उन्हें अपना मस्त पट्टा नीचे मुंडी डाल लेके चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा। जरा इसको अच्छा रिकॉर्ड कर बेटे, कल डाल इसको जरा तू, उन्हें चलते जा रहा, उन्हें मौलाना को देख रहा नहीं मुफ्ती साहब को देख रहा नहीं, वो बिचारे की धुन एक ही है काबे को पहुंचना है, पैर में छाले आ गए पट्टा अपनी नीयत पे अटल है, मौलाना सुन्नत नहीं है फरज नहीं है वाजिब नहीं है, अरे ते को पूछे कौन रे हौले कौन पूछे रे बड़े भाई तेरे को, उन्हें करने वाला कर रहा, लोग हिमालय पे चढ़ रहे यारो, गैरों के पास हिमालय पे चढ़ने का ये रिकॉर्ड है, गैरों के पास चांद पे जाने का रिकॉर्ड है, अगर एक मुसलमान के पास हज को जाने का रिकॉर्ड बन जाए तो बड़ी ताजी। हर मसले का फर्ज होना वाजिब होना सुन्नत होना क्या जरूरी है जी, हर मसले का फर्ज होना वाजिब होना सुन्नत होना क्या जरूरी है, अगर एक अच्छे काम के लिए कोई एक आदमी एक अच्छी नियत करके चल रहा चलने दो भाई, उसके पीछे वीडियो बना लेते बैठे हुए, उन्हें कहा अब मेरे को अब यहां आने से पहले मेरे को यूपी से फोन आया, यूपी से आगरा से एक साहब कॉल करे मौलाना वो ने शिहाब पैदल जा रहा सही है गलत है, बोला तू जो फोन करा ये गलत है रख। उन्हें चल रहा उसके पैर दर्द हो रहे, उन्हें फतवा नहीं पूछ रहा, इन्हें घर में बैठ के पूछ रहा, जाने दो भाई। देखो औलिया अल्लाह 40-40 साल तक जंगलों में रह के इबादत करें करे नहीं करे, बुजुर्गाने दीन हदीस लेने के लिए 2.5 साल तक पैदल चले, दलील हदीस लेने के लिए एक हदीस मुहद्दिसीन एक हदीस लेने के लिए पता चला फुला इलाके में है पैदल चले 2.5 साल तक, सवारी थी नहीं थी वो अलग मैटर है मगर पहुंचे वहां तक इल्म लेने के लिए हदीस लेने के लिए। अगर मेरे प्यारे भाई बुजुर्गाने दीन के ताल्लुक से कोई आपसे सवाल कर दे 40-40 साल तक जंगलों में रह के इबादत करे, अब आप इसको साबित करो आप कहां से करते बोलो आप, ये उनकी एक रूहानियत है, ये ताल्लुक बिल्ला की एक कैफियत है, ये एक मुसम्मम इरादे की एक अच्छाई है। कोई भाई अगर अपना कर रहा खामोश बैठो भाई, उन्हें सब कुछ चलो तो नहीं बोल रहा ना साथ में चलो चलो मेरे साथ चलो 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 लकड़ी लेके हकार रहा तो नहीं ना किसको भी, खामोश नीचे मुंडी डाल रहा पट्टा कैप लगाया निकल गया छतरी पकड़ ले गए, अरे जाने दो यार, एक भाई अपना अच्छा काम करा उसको हिम्मत दो उसको उसके लिए दुआ करो उसके लिए अच्छा सोचो, सब खाली मुसलमान जूते खाने की वजह यही छे, देखो आप कभी किसी के लिए मुसलमान अच्छा नहीं सोच सकता, मौलवियां भी वैसी छो गए दाड़ियां वाले भी वैसी छो गए मुफ्तियां भी वैसी छो गए कौम भी वैसी छो गई, अरे कर रहा बेचारा करने दे रहे बड़े भाई। अच्छा एक साहब पूछे वैसे नक्शबंदी साहब उन्हें सुन ली है वहां भी अम्मा, मैं बोला आए बात पूछेंगे रे फिर वक्त जाने तो दे बेचारे को, इतना गम्मत बना के छोड़ दिए वो बेचारे को, उन्हें बेचारा करते जा रहा अल्लाह मैं तो दुआ कर रहा हूं मेरे मौला एक बंदा तेरी बारगाह में नेक इरादा करके आ रहा मौला उसको तू पहुंचने दे तेरी दरबार, कोई तो करो यार एक रिकॉर्ड बना रहा, अगर कर देंगे उन्होंने खुदा की कसम ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा, ये रिकॉर्ड कैसा है पूछ रहा है तो पीटी उषा से पूछो आप जो रनिंग करती उसको पूछो, उन्हें बोलेंगे आई मैं 25 मीटर भाग भाग के हांप लेती थी इन्हें 8000 किलोमीटर कैसा चला जी, खुदा की कसम जो है अभी तक भी गुजरात राजस्थान तक भी गया ना ये उसकी एक रूहानी कुव्वत है, ये जिस्मानी कुव्वत से ये एक इंसान के बस की बात तो नहीं है, बेचारा पूरा केरला भी पार कर लिया गुजरात भी पार कर लिया राजस्थान की भी अब सरहदों तक पहुंच रहा,
मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है भाई, मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है, भाई अपना कर रहा यार, खुश हो यार देख के।